क्या प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का यूज किया जाता है? और एक ऐसी बच्ची जिसके अंदर खून ही नहीं है, और क्यों हमारे गले में यह चीज होती है? तो ऐसे ही इमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10, कहा जाता है कि यह वही आइसबर्ग की फोटो है जिससे टकराकर टाइटेनिक जहाज डूबा था। इस फोटो को 1912 में डब्लू हुड ने लिया था। डब्लू हुड एक दूसरे शिप के कैप्टन थे जो उस साइट पर टाइटेनिक से 40 घंटे बाद पहुंचे थे, और यह आइसबर्ग अटलांटिक ओशियन में है। नंबर 9, आपने कितने तरह के एप्पल्स खाए हैं? 2, 4 या 10 तरीके के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि धरती पर इतने तरह के एप्पल्स मौजूद हैं कि अगर आप रोज एक एप्पल खाओगे तो आपको 20 साल लग जाएंगे सभी प्रकार के एप्पल को टेस्ट करने में। इंडिया में 20 तरह के एप्पल्स उगाए जाते हैं, और दुनिया भर में सबसे ज्यादा एप्पल्स चाइना में उगाए जाते हैं, और इंडिया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। नंबर 8, आपने जितने भी जू देखे होंगे उसमें इंसान खुले में घूमता और एनिमल को पिंजड़े में बंद कर रखा जाता है। तो चाइना में लिंगलुडू नाम का एक जू है जिसमें इंसान को पिंजरे में रखा जाता है और एनिमल बाहर रहते हैं। दरअसल यह टूरिस्ट कार होती है जिसे पूरे जू में घुमाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को इसलिए ऐसा बनाया गया है कि लोग ताकि एनिमल को उसके हैबिटेट में देख सकें। नंबर 7, अफ्रीका में एक खास तरह का मेंढक है जिसको अफ्रीकन रेन फ्रॉग कहा जाता है। इन मेंढकों की खास बात यह है कि यह हमेशा सैड रहते हैं, या तो यूं कहो कि इनकी शक्ल कुछ ऐसी है कि यह हमेशा उदास ही रहते हैं और देखने में यह कितने अजीब दिखते हैं। नंबर 6, क्या आपने किसी बीच की चोरी के बारे में सुना है? तो अफ्रीका के जमैका में करीब 500 ट्रक बालू चोरी हो गया। 500 ट्रक बालू इतना बालू है कि इससे एक नया बीच बन जाए। यह चोरी सन 2008 में हुई थी, और इसमें अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, और ना उनको चोरों का अभी तक पता चला, और ना ही उस चुराए हुए बालू का। नंबर 5, क्या आप अपने सर को उल्टा करके खा सकते हो? नहीं ना, फिक्र मत कीजिए, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फ्लेमिंगो बर्ड ऐसा करने में माहिर हैं। यह चिड़िया अपने सिर को उल्टा करके ही खा सकती है। नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कौन नहीं जानता जिसका यूज करके आजकल के सेलिब्रिटी अपने आप को खूबसूरत और यंग दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सर्जरी में क्या होता है। तो आपको लगता होगा कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब प्लास्टिक से किए जाने वाला सर्जरी है, लेकिन यहाँ प्लास्टिक का मतलब है रीशेपिंग, जो कि ग्रीक वर्ड प्लास्टिक से लाया गया है। इस सर्जरी में बॉडी के दूसरे ऑर्गन से स्किन लेकर उस जगह पर लगाया जाता है जहाँ सर्जरी करनी होती है, और इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 में की गई थी। आजकल के मॉडर्न जमाने में कुछ खास तरह के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं और किसी बॉडी पार्ट को नहीं काटा जाता है। नंबर 3, हॉर्सेस क्रेप्स जिनकी बॉडी घोड़े के सू जैसी होती है, इन क्रेप्स की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इनके खून की है। इनका खून लाइट ब्लू कलर का होता है, और इसकी कीमत करीब 44 लाख पर गैलन है। इनके खून में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनकी मदद से दवाई या ड्रग्स की टॉक्सिसिटी डिटेक्ट की जाती है। नंबर 2, हमारे गले में यह चीज क्यों होती है? इसे यू बिल कहते हैं, जो हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है, और इसी की वजह से हम लोग खाने को निगल सकते हैं, नहीं तो खाना हमारे नाक वाले हिस्से में चला जाएगा और हमारे गले को भिगाकर यही रखता है, और यह पार्ट हमें बोलने में भी मदद करता है। नंबर 1, इस 4 साल की लड़की का नाम है मैसिबनेस। इसके बारे में सुनकर आप चौंक जाओगे। यह बच्ची 6 वीक प्रीमैच्योर बेबी है, यानी कि यह डिलीवरी डेट से 6 हफ्ते पहले ही इस दुनिया में आ गई थी, लेकिन जिस कंडीशन में यह आई थी वहाँ से 90% बच्चे नहीं बच पाते हैं। जब मैसिनेस पैदा हुई तब उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। डॉक्टर्स का कहना था कि यह बच्ची नहीं बच सकती, और बच भी गई तो इसका दिमाग डैमेज हो गया होगा, और फिर इसको 8 हफ्ते मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और आज मैसिबनेस बिल्कुल सही सलामत है। तो यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।